I want to get you now excerpts from an interview I did with K.N. Govindacharya, former General Secretary of the Bharatiya Janata Party, top ideologue of the RSS, still very closely involved in shaping how the right thinks, shaping how the larger Sangh Parivar thinks. He's come out for the first time, all guns blazing against the Modi Sarkar. He says there's no team spirit in Team Modi. He says instead of hiding behind legal defenses, Vasundhara Raje and Sushma Swaraj should take moral responsibility and step down. This is an India Today exclusive. तो आपका मानना है कि नैतिक आधार पर वसुंधरा राजे का फौरन इस्तीफा होना चाहिए? फौरन करे वो तो खुद ही करना चाहिए था, जैसे अडवाणी जी ने किया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, शरद यादव ने किया था उस समय में। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और वास्तव में ऐसे उदाहरण ही खुद को नुकसान दे तो भी पार्टी के लिए, देश के लिए फायदेमंद रहे। क्या सुषमा स्वराज जी का भी इस्तीफा होना चाहिए आपके हिसाब से? इसी मैंने पहले भी कहा है कि भैया इन लोगों का स्वयं सोचना चाहिए। ये तो जनता अपनी धारणा बनाए रहेगी, उस धारणा में बदल नहीं होगा। फिर भी ये तो उनकी चॉइस है, इस्तीफा दें या ना दें। कुछ लोग अडवाणी जी, शरद यादव आदि का उदाहरण अपने सामने रख सकते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं करते हुए डटे रहने का भी निर्णय कर सकते हैं। वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज प्रकरण में सरकार कहती है कि शायद इन्होंने नैतिक आधार पर कुछ गलत किया हो, लेकिन कानूनी आधार पर कुछ भी गलत नहीं किया। आपको लगता है इस बचाव में कुछ दम है? मैं मानता हूँ कि देश का सामान्य आदमी, उसके सोचने का आधार नैतिक है। कानूनी दांव पेंच में वो उलझना नहीं चाहता है। मोटे तौर पर उसको जितना लगता है उस आधार पर लगता है कि भाई इन्होंने फ़ायदा दिलाया होगा, संबंध बड़े अच्छे रहे, इनके भी लोगों को फ़ायदा मिला होगा। जैसे शेयर्स की बात आती है, दुष्यंत सिंह की बात आती है, तो सामान्य आदमी तो एक परसेप्शन बना लेता है कि ये लोग दोषी हैं। फिर भी वो सोचता है कि अगर ये लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जांच हो, निर्दोष हो, फिर वापस आवे, तो पूरी पार्टी की, सरकार की साख इसमें से बढ़ेगी। बीजेपी में एक तबका ऐसा है जो कि मानता है कि एक आस्तीन का सांप है पार्टी के भीतर जो कि ये करवा रहा है। कीर्ति आजाद पिछले हफ्ते सीधी बात में बैठे थे, उन्होंने बहुत निशाने साधे पार्टी के भीतर लोगों में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से लोग एक दूसरे को काटने के लिए इन खबरों को मीडिया में सामने रख? इतना जरूर है, ये सब बातें पार्टी के संगठन की स्थिति अस्वस्थ है इतना तो बताती ही है। अधिक संवाद की जरूरत है, अधिक विश्वास की जरूरत है, अधिक आपसी तालमेल की जरूरत है और कहीं ना कहीं किसी की बात मान लेने की स्थिति हो। ऐसी पार्टी में स्थितियां शायद नहीं है, इतना तो संकेत इसमें से मिलता ही है। जब श्री यशवंत सिन्हा कहते हैं 75 की उम्र के बाद ब्रेन डेड मान लिया गया है, ये उनकी मन की तकलीफ का को बयां करता है। मतलब वो योगदान करना चाहते हैं, योगदान करने की कोई स्थिति नहीं बन रही। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जो भी होते हैं उनका भी योगदान नेशनल अफेयर्स में होता है, नेशनल इंटरेस्ट में होता है। इसलिए उम्र के बदले स्वास्थ्य, उम्र के बदले गतिशीलता, ये आधार होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्यों आपको लगता है कि पार्टी में जिस तरीके से चीज़ों का संचालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? इसकी तो मुझे मालूम नहीं है क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना साफ दिख रहा है, ऐसे कीर्ति आज़ाद का बयान की बात आपने की, औरों की बात की, यशवंत सिन्हा के बयान की बात की, शत्रुघ्न सिन्हा के बयान की बात की, ये सब तो बातें उसी दिशा में संकेत है। इसीलिए मैंने कहा कि पार्टी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक वैज्ञानिक कार्यशैली पर आग्रह करने की ज़रूरत है। उसमें कहीं कमी होगी तभी तो विश्वास और संवाद की कमी है, तभी तो लोग बाहर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग जो पार्टी लगता है कि वन मैन शो हो गई है बीजेपी, मैं इतना तो नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि इसमें अधिक सहभागिता की ज़रूरत है, निर्णय में सहभागिता की ज़रूरत है, स्थितियों की जानकारियों को शेयर करने की कमी है कहीं ना कहीं। इसलिए हर आदमी शंका को लेके क्या हो रहा है पता नहीं। सांसद कई बार मिलते हैं, उनके लगता है वो भाई पता नहीं क्या हो रहा क्या है, चला कौन रहा है। मैं कहता हूँ यार तुम हो पार्टी में, तुम हमको बताओ कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं संवाद की कमी है, सहभागिता की कमी है।